हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। आज हम मौजूद हैं अरकू वैली में और आप देख रहे हैं अरकू वैली का खूबसूरत रेलवे स्टेशन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं अरकू वैली का कॉफ़ी हाउस। गाइस अरकू वैली में आपको माउंटेंस तो दिखेंगे, साथ ही ये अपने कॉफ़ी के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ कॉफ़ी की दो वेराइटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप अरकू वैली घूमने के लिए निकल गए हैं, बट सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत है कि प्लेसेस का एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा यहाँ सबसे बड़ा है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ के जो लोकल्स हैं ना तो उनको हिंदी आती है ना ही इंग्लिश ढंग से आती है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर फैक्टर है चीज़ों का मिसगाइड होने का। और हम देखते हैं, बाकी यहाँ खाने की भी बहुत समस्या है। सुबह सुबह इडली सांभर मिलता है और जो टेस्ट हम नॉर्थ में खाते हैं बेसिकली इडली और सांभर की, वो भी इस तरीके का टेस्ट यहाँ नहीं मिल पाया। तो खाने की बड़ी समस्या है और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है, नेचर बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, बट जो मैं आपको समस्या बता रहा हूँ वो भी एक बड़ी समस्या है यहाँ की। मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट करने निकलते हैं तो इडली सांभर ही एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो आपको हर कहीं मिलेगा अरकू में। गाइस अगर आप नॉर्थ से हैं तो खाने की एक समस्या तो आएगी, साथ ही लैंग्वेज में भी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये जो वीडियो आप आगे देखने जा रहे हैं इसमें किस तरीके से यहाँ टूटी फूटी तरीके से हिंदी बोली जाती है, हालांकि समझ आ जाती है बट थोड़ा सा दिक्कत होता है डिकोड करने में और आप भटक भी सकते हैं रास्ता। ये देखिए वीडियो। काफी प्लांट कटकी वाटर फॉल्स गोरेगोस आनंदगिरी वाटर फॉल्स लाइन में एक ही लाइन फर्स्ट काफी प्लांट सेकंड यू फाइन टू थर्ड आनंदगिरी वाटर फॉल्स आनंदगिरी में राइट साइड में जाए राइट साइड में आनंदगिरी मल्ल इधर आए आनंदगिरी आनंदगिरी नीचे स्ट्रेट में जाए एक सौराष्ट्र जाए सौराष्ट्र नीचे लेफ्ट गोरेगोस गोरेगोस तरह वन सेकेंड कटक वाटर फॉल्स। ओके ठीक है, थैंक यू। सो गाइस हम आ चुके हैं ईस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट में बसा हुआ है ये अरकू प्रदेश या अरकू वैली। और आप मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से ईस्टर्न घाट फैला हुआ है, क्या मैस्मराइजिंग ब्यूटी है यहाँ की। यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, अरकू का स्टेशन वेल एस्टेब्लिश्ड है और विशाखापट्टनम से काफ़ी सारी ट्रेन चलती हैं, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में कमेंट सेक्शन में दूंगा। थैंक यू गाइज। हम पहुँच चुके हैं अरकू वैली का कॉफ़ी हाउस और आप देख सकते हैं ये इसका एंट्री पॉइंट है। इस कॉफ़ी हाउस के जस्ट सामने आपको ट्राइबल म्यूज़ियम भी मिलेगा, ये ट्राइबल म्यूज़ियम आप देख रहे हैं इस वीडियो में और दोनों ही आमने सामने हैं। आप यहाँ बगल में अपनी कार पार्क करके, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है और आपको टिकट लेना पड़ेगा एडल्ट और चाइल्ड के रेट में। इस लिस्ट में आपको बता सकता हूँ कि एडल्ट का 20 रुपीज़ है और चाइल्ड का 10 रुपये है। टिकट काउंटर से आप टिकट लें और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक वीडियोग्राफी होगी वो हम शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। आपको टाइम भी याद रखना होगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये टिकट काउंटर खुला रहता है कॉफ़ी हाउस का। तो जब भी आप यहाँ आए और यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो डिफरेंट जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके अकॉर्डिंग कॉफी हाउस आए और उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्पॉट प्लान करें। अलाउ है मैं वहाँ तक वीडियोग्राफी कर रहा हूँ फिल्म। आप जैसे ही कॉफ़ी हाउस के अंदर जाते हैं आपको एक थीमेटिक आदिवासी पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, काफ़ी प्लीजेंट माहौल है यहाँ का और एकदम कॉफ़ी का एरोमा इस पूरे कॉफ़ी हाउस के अंदर आपको महसूस होगा। यहाँ आदिवासियों द्वारा बनाए गए डिफरेंट हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे जो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है आदिवासियों द्वारा बनाया गया, वो सारा आपको इस काउंटर में मिलेगा। ये एक रिटेल काउंटर है और यहाँ आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं, पेमेंट मोड कैश ऑनलाइन दोनों ही हैं। सभी प्रोडक्ट्स में MRP लिखी हुई है और कुछ प्रोडक्ट्स हमने परचेस यहाँ से किए थे, काफ़ी अच्छे हैं। और एक स्पेशल यहाँ का जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो है ये
तेल जो 110 रुपए का मिल रहा है, बेसिकली ये जड़ी बूटियों को एक बॉटल में डाल दिया गया है। इसमें आपको कोकोनट ऑयल फिलअप करके रखना होता है और आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के ग्रोथ के लिए और अगर बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या है। बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड आपको यहाँ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे जो पूरे हैंडक्राफ्टेड हैं। रेल ट्रैक पीछे होने के कारण आप अरकू प्रदेश में अगर कहीं भी रोड में घूमते हैं तो आपको बगल में ट्रेन भी चलती हुई दिखाई देती है जो आपको बहुत ही खूबसूरत अनुभव कराएगी। आगे हम चलने वाले हैं कॉफ़ी गार्डन। गाइज़ हम लोग आ चुके हैं कॉफ़ी गार्डन और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो मेरे पीछे हैं जो लंबे लंबे पेड़ आप देख रहे हैं और उसके ऊपर जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं वो काली मिर्च की है और मैं आपको कॉफ़ी का भी प्लांट आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ कॉर्नर में इस तरीके से छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं जो कॉफ़ी सेल आउट कर रहे हैं जो नेचुरली कल्टिवेटेड हैं और आप यहाँ 20 रुपीज़ में पर कप कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जो प्लांट फौना है वो कितना खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कॉफ़ी के प्लांट्स जो लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉफ़ी की ये चेरीज लगी हुई हैं। ये ऐसा होता है कॉफ़ी का प्लांट। तो जो ये मैं आंध्र प्रदेश में हूँ अरकू वैली में या अरकू प्रदेश में, यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस वैरायटी को तमिलनाडु से लेके आए हैं और इसको यहाँ प्लांटेशन किया हुआ है। आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, देखिए ऊपर तक ये जो गया है ये काली मिर्च का प्लांट है। तो ये प्लांटेशन जो उड़ीसा के जो महाराजा हैं जयपुर और जो ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उस वक्त के, ये बात हो रही है 1898 की, तो ये इस्टेब्लिश किया। सो मैं अभी कॉफ़ी के बगान में हूँ और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कॉफ़ी के प्लांट्स और ये चेरीज इसमें लगी हुई है। इसको पिक किया जाता है और कॉफ़ी का एक अच्छा खासा इतिहास है अरकू वैली में, अरकू प्रदेश में। और यहाँ का जो काली मिर्च होती है ये उसके प्लांट हैं, ये भी यहाँ इसका कल्टीवेशन होता है। काफ़ी ब्यूटीफुल है। और उड़ीसा के जो राजा हैं जयपुर और ब्रिटिश रेवेन्यू इंस्पेक्टर की मदद से 1898 में यहाँ ये कॉफ़ी का प्लांट लाया गया था। और ये जो कॉफ़ी की जो वैरायटियां हैं ये दो वैरायटी है, एक तो अरेबिका है और अरेबिका रोबस्टा है। जो अरेबिका है वो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे उसे ग्रोन किया जाता है और रोबस्टा को थोड़ा लो लेवल पे। दोनों के अपने अपने डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जो काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग में सेंसेशन करेगा वो आपका अरेबिका रोबस्टा है। थैंक यू। ये हम कॉफ़ी के बगीचे में, ये पूरा बगान कॉफ़ी का है।